आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 8 फरवरी को हमारा एमपी बोर्ड का इंग्लिश का क्लास 12th का पेपर लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूं। आई होप है बेहतरीन आप तैयारी कर रहे होंगे। ओके, कोई भी दोस्तों आपको डाउट आता तैयारी में कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको पता है आपका 4 नंबर का आता है टाइटल और नोट्स मेकिंग। टाइटल और नोट्स मेकिंग आता है 4 नंबर, यहां से आप पक्के कर पाएंगे। इसे भी मैं कह फोकट के 4 नंबर कहता हूं। अब आप कहेंगे कि सर नोट्स मेकिंग तो बहुत ही कठिन होता है, कैसे ये फोकट के 4 नंबर गिलाए? तो मैं आपको जब आपको कह नोट्स मेकिंग सिखाऊंगा तो आपको इतना आसान लगेगा कि आप कहेंगे सर क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसलिए क्या है, आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज दिया रहता है, फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें टाइटल लिखने पड़ता है, मतलब पूरे पैसेज का शीर्षक लिखना पड़ता है, नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है। 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहता है। तो मैं आप बता दूं, अगर आप पेपर में टाइटल लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नोट्स मेकिंग करते हैं तो 3 नंबर आपका रहता है। मतलब पेपर में 1 नंबर का टाइटल, 3 नंबर का नोट्स रहता है, दोनों मिलाकर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, तो टाइटल आपको लिखना है, नोट्स आपको क्या है, नोट्स में आपको पॉइंट बनाने पड़ते हैं, फॉर्मेट देखिए मैं आपको बता दूं, नोट्स मेकिंग में पूरा दिखावा का पूरा रोल रहेगा। अगर 3 आपको 4 नंबर पक्का करने हैं तो टाइटल तो मैं आपको बता ही दूंगा, आप नोट्स बनाने का जो तरीका है वो तरीका से लिखते हैं, आप उस पैटर्न से लिखते हैं। ओके, तो आप क्या है पक्का, आप क्या है अपने यहां से 3 नंबर अपने पक्के कर पाएंगे और 1 नंबर मतलब 4 नंबर आपसे बन जाएगा। ओके, देखिए नोट्स मेकिंग उन्हीं का जो वही स्टूडेंट अच्छे से बना पाता है। ओके, जो क्या है पूरा अर्थ निकालना जानता है, इंग्लिश में अर्थ निकालना जानता है। ओके, ऐसा कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है 90% स्टूडेंट जिसमें मैं भी शामिल हूं कि जिनसे अर्थ निकालते नहीं बनता पूरी तरीके से अच्छे से। ओके, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर वो कहते हैं नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे, वो अपने 3 नंबर यहाँ से मतलब नोट्स मेकिंग वाले सेक्शन से 3 नंबर है पक्का कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपसे अर्थ निकालती बनता हो, चाहे अर्थ निकालती ना बनता हो, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ट्रिक का फॉलो करते हैं तो आपको इस टॉपिक सेक्शन से जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका नोट्स मेकिंग वाला और टाइटल वाला 4 नंबर पक्का कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट हमें दोस्तों कैसे लिखना है। फॉर्मेट हम आपको बहुत जरूरी है, फॉर्मेट आप समझ लीजिए, फॉर्मेट जिस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं जिसमें आपको क्या 4 नंबर मिलने वाले वो फॉर्मेट आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो आपको लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दूसरा जो भी आपको दिया हुआ। ओके, आपके आपके सेट में आ रहा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर हो सकता है, तो आपको लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा जो भी आपका दिया हुआ आपको लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है, टाइटल लिख दीजिए, फिर जो भी आपका टाइटल हुआ आपको लिख देना और इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको टाइटल लिख देना, ये बात का ध्यान रखना है, जो भी आप टाइटल लिखे उसको इनवर्टेड कॉमा में लिख देना। ये आपको समझ गया है टाइटल किस प्रकार से लिखना है। फिर आपको बेहतरीन तरीके जिस प्रकार से मैंने लिखा इस प्रकार से आपको लिखना है, नोट्स डालना ब्लैक कलर से, ओके अंडरलाइन करना है, नोट्स को जाता है। अब नोट्स आपको कैसे बनाना, पैटर्न क्या रहने वाला, तो ये आपके पैटर्न दिया होगा। पैटर्न में आपको सबसे पहले करना है, आपके पैटर्न में रहती है पहले एक मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर आपको 2 क्या सब हेडिंग बनानी पड़ती है। तो आपको 1 नंबर डालना है, फिर आपको उसकी डिटेल लिख देनी है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर आपको डिटेल लिख दी है, फिर 1.1 बनाकर दूसरा पॉइंट लिखिए, 1.2 बनाकर दूसरा पॉइंट आपको इसके अंदर लिख देना। और ये बात का ध्यान रखना है कि जो 1-2 नंबर मेन मेन पॉइंट है वो एकदम एक लाइन में आए, जो छोटे छोटे वाले मतलब इसके जो ये वाले हो ये एक ही लाइन में, इस बात का जिस प्रकार से दिया हुआ। ओके, फिर आपको दूसरा नंबर डाल देना है, फिर आपको मेन आपको लिखना है, फिर इसके बाद दूसरा 2.1 लिखना है, 2.2 लिखना है, इस प्रकार से 2.3 बनाना चाहे 2.3 बना लीजिए अगर बन रहा है। ओके, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट डालिए, 3.1 3.2 3.3 लिख सकते हैं अगर बन रहा है। इस बार से आपको करना है कम से कम आपको क्या है एक मेन हेडिंग बनानी है और 2 सब हेडिंग, मतलब आपको क्या है टोटल आपके 3 नंबर का रहता है, यहां कितने नंबर का रहता है 3 नंबर का रहता है, तो आपको क्या है 3 आपको इस प्रकार से बनाना है जरूर। फिर आप 4-5 भी बना सकते हैं टाइम रहता है, लेकिन 3 तो आपको कम से कम बनानी है, 3 आपको बनाना है और उसके अंदर आपको क्या है 2-2 पॉइंट आपको बनाना है, इसके अंदर आप 3-4 इसके अंदर बनाना है तो भी बना दिए कम से कम, लेकिन इसमें भी 2 आपको बनाना है। ये आपका पैटर्न रहने वाला, इस तरीके से आपको लिखना है। हम क्या है प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको अगर पेपर में कोई पैसे जाता है तो कैसे आपको करना है। दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग सारी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे आप इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिवीजन कर सके अपना। ओके, तो आप ज्वाइन करके जरूर खेल लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये हमारे एक मान लीजिए पैसेज दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका पैसे रहने वाला है पेपर में, अब हमें एक से नोट्स और टाइटल आपको बनाने, तो चुके तो मैं आपको अपनी भाषा बनाता हूँ। ओके, अभी इसके इस प्रकार से दिया है लेकिन इससे पूरा डिफरेंट रहेगा मेरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको लेना है। टाइटल देख लीजिएगा, टाइटल का आपको पता है ट्रिक क्या होती है,
टाइटल को आपको जिस टॉपिक की इसमें बात हो रही है वो आपका टाइटल होता है। ओके, अर्थ निकालते बनता तो आप तुरंत ही टॉपिक समझ आए। नहीं समझ में आता है तो आप उस शब्द को देखिए जो बार बार आ रहा है और जिसकी क्या है बार बार आ रहा है और जिसकी बात हो रही है। ओके, देखिए लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। लाइफ जो पूरा जीवन है ये क्या है हमारा एकदम बिस्तर नहीं है। किसका? गुलाबों का बिस्तर नहीं है, गुलाब के फूलों का। ओके, ये हमारे कांटों से भरा भी है, इस प्रकार से दिया हुआ है। लाइफ आ गया, लाइफ की बात हो रही है। ओके, इसके आगे देख लेते, फिर लाइफ आ गया। ओके, फिर इसके बाद रिक्स आ रहा है, रिक्स दिख रही है। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया, फिर रिक्स आ रहा है, फिर लाइफ आ रहा है। ओके, इसके आगे प्रत्येक सेंटेंस में देखिए, प्रत्येक सेंटेंस में किस किस कौन सा शब्द आ रहा है बार बार। ओके, इसके बाद देख लीजिए, इसमें सेंटेंस में नहीं कुछ, लेकिन इसमें देखिए लाइफ आ रहा है, फिर आपका यहां देख लीजिए इस सेंटेंस में रिक्स आ रहा है, फिर ओके इसके बाद देख लीजिए इसमें आपका क्या है रिक्स आ रहा है, इसमें भी रिक्स आ रहा है, इस प्रकार से दिया रिक्स लाइफ, रिक्स लाइफ को मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको जो आपका टाइटल रहेगा उसमें लाइफ शब्द आना चाहिए और रियल और आपका क्या है रिक्स शब्द आना चाहिए। ओके, तो इसका क्या बन जाएगा, तो टाइटल आपको बन जाएगा लाइफ, लाइफ आर रियल रिक्स, लाइफ आर रियल रिक्स। ओके, अगर न कुछ में नहीं बन रहा लाइफ, लाइफ तो आपको समझ आए, लाइफ की जीवन की बात हो रही, जीवन की बात हो रही, लाइफ की बात हो रही, केवल केवल टाइटल में लाइफ लिख दी है तो भी आपका चल जाएगा। ओके, और थोड़ा आपको रिक्स भी बार बार दिख रहा तो लाइफ आर रियल रिक्स, इस प्रकार से आप टाइटल लिख सकते हो। ओके, नोट्स मेकिंग करनी है ये मैं रहने वाला, किस प्रकार से बनना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या नोट्स की अब ट्रिक क्या रहने वाली है, इस ट्रिक को समझिए। ओके, ओके, ट्रिक में आपको क्या करना है, इतने बड़े सेंटेंस में आपको तीन बड़े सेंटेंस छाड़ना, तीन बड़े सेंटेंस छाड़ना है जो थोड़ा बड़े बड़े देखें। ओके, सेंटेंस कैसे, फुल स्टॉप से लेके अगले फुल स्टॉप तक आपको तीन बड़े बड़े सेंटेंस छाड़ना है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम पहले ही वाले ले लेते हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स, ये हमारा एक सेंटेंस हमने पकड़ लिया। जो सेंटेंस को हम पकड़ लें, जो कोई एक सेंटेंस पढ़ लेना है, फिर उसको हमें तीन हिस्से करने हैं, उसे कितने हिस्से करने, तीन टुकड़ा करना है बराबर बराबर। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका आपको हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसका ये हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए उस हिसाब से। ओके, लाइफ इज इसको आपको क्या, अपने पकड़ लिया इसको। ओके, तीन हिस्से करिए, तीन हिस्से करते हैं हम, तो तीन हिस्से करते हैं। ओके, तो लाइफ इज एक हिस्सा हो गया, लाइफ इज, लाइफ इज एक हिस्सा हो गया। दूसरा आपको लिख देना है फिर नॉट अ बेड ऑफ रोज, एक तीसरा दूसरा हिस्सा ये हो जाता है। तीसरा हिस्सा हमारा व्हाट अ बेड ऑफ थॉट्स। ओके, ये तीन हिस्से हमने कर दिए। ओके, अब किस प्रकार से लिखेंगे, ओके तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको लिखना है। पहले आपको क्या है इस प्रकार से बनाकर रख लेना, तो ये हमारा पहले एक नोट बन गया। और नेक्स्ट नोट देख ले किस प्रकार से आपको बनने वाला है, तो यहां से हम से लिख सकते हैं कोई भी सेंटेंस पकड़ लीजिए, कोई बड़ा सा आपको जो देखे। ओके, यहां से देख लेते हैं, जैसे ये अपन पढ़ लेते हैं, ये साइंस वाला पढ़ ले, साइंस वुड नॉट हैव मेड। ओके, मतलब अर्थ निकाल के हो सकता नहीं, बस हमें देखना है कोई बड़ा सेंटेंस ये थोड़ा मिल गया ठीक ठाक। ओके, तो इसका तीन ऐसे कर दीजिए। ओके, बिल्कुल अर्थ निकालने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत आप क्या बनाना सीख लें, तो एक ऐसा कर दिए साइंस वुड। ओके, साइंस वुड वाले में देख रहे हैं हम, इसमें हमारे तीन ऐसे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ओके, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब कंजंक्शन से नहीं आ रहा है, तो इसे हम और देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। इससे पहले वाला ये सेंटेंस है, ये सक्सेस इन एनी वर्क लाइफ गोज टू those person who welcome this। ओके, तो इससे अपन बना सकते हैं, पहले पर लिख देने एक सक्सेस इन, जो पहला वाला है कोशिश करिए वो छोटा हो, अंदर के जो दो हो बड़े हो। ओके, तो सक्सेस इन लग दिया। अब बस इसके आगे अब दूसरा एक बन गया, बन गया। अब इसके आगे कौन है, एनी वर्क, एनी वर्क इज इन लाइफ गोज, ये आपका बन गया, दूसरा बन गया, गोज टू तक लिख देना आपको, ये आपका दूसरा बन जाता है। तीसरा बन जाता है those person who welcome this, ये तीसरा बन जाता, तो ये हमारा दूसरा बन जाता। ओके, दूसरा वाला हेडिंग बन जाता है। अब कैसे जमाना है वो भी हम देख लेते, पहले एक दो तो अपने पॉइंट तैयार हो गए, तीसरा बन पकड़ लेते। ओके, तीसरा आप यहां से देख सकते हैं कहां से आपको बन सकता है, ब्रेव हार्ट। ओके, ये आपको बन सकता है, ये वाला बन सकता है ब्रेव हार्ट। ओके, ब्रेव हार्ट आपको बन जाता है, फिर अब इसमें बन जाता है आपका अचीव फ्रेम बन जाता है, तीसरा आपको पॉइंट बन जाता है इसके अंदर। ओके, आपका ऑनर। ओके, ऑनर बस यहाँ बन जाएगा। ओके, मतलब आपको एक सेंटेंस पकड़ना है, उसके तीन ऐसे करना है, तो हमने तीन सेंटेंस पकड़ लिए, तीन कैसे कर दिए, किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट आपको किस प्रकार से लिखना है। तो आपको लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो भी आपका दिया, समझ चुके हैं, टाइटल डालिए लाइफ और रियल लिक्स या लाइफ, बस आप लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। अब नोट्स। ओके, नोट्स में आपको पहले ऐसा क्या किया था, इस प्रकार से आपको कर लेना है लाइफ इज, तो पहले आपको लिखना लाइफ इज, फिर इस प्रकार से कॉमा लगा दिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, केवल इस प्रकार से अंडर स्कोर करना। ओके, फिर आपको क्या है इसके पॉइंट बनाने के अंदर। ओके, तो 1.1 में आपको लिख देना है, दूसरा नॉट अ बेड ऑफ रोज, तीसरा हमने जो पॉइंट बनाया जो टू, ये आपको 1.2 बन जाएगा, ये 1.2 बन गया बट अ बेड ऑफ दोस। ओके, थस। ओके, ये बन गया है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे भी इससे संबंधित है। ओके, नहीं चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, नहीं चाहे तो भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हमारा कंप्लीट विस्तार से हो चुका है। पहले के अंदर दो बना था, दो हमने बना लिए, अगर यहां भी बन रहा है फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्ट ये बन रहा है, तो इसे भी हमने लिख दिया। ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आपको दो बनाने हैं कम से कम। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा हमने क्या बनाया, सक्सेस इन, तो सक्सेस इन बनाया, तो हमने सक्सेस इन लिख दिया। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है सक्सेस, फिर दूसरा हमने क्या बनाया, एनी वर्क इन लाइफ गोज टू, एनी वर्क, एनी आपका हो जाएगा एनी
वर्क वर्क इन इन लाइफ गोष्ठी, ये हो जाता है 2.2 में आपको क्या लिखना है, दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, ये आपको बन सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से टुकड़ा करना है आपको। ये हमारे दो पॉइंट हो गए। तीसरा हमने क्या एक पकड़ा था सेंटेंस, ये लास्ट वाला सेंटेंस पकड़ा था जिसके तीन टुकड़े किए हमने। तो ब्रेव हार्ट से पहले तो ब्रेव हार्ट से लिख दिया, फिर इस प्रकार से अंडरस्कोर, फिर जबकि जो वाले जो अंदर वाले हैं इनमें फुल स्टॉप लगा देना, इन्हें फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन जो मेन वाला है इसमें आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, इसमें अंडरस्कोर इस प्रकार से लगा दें, इस प्रकार से ओके। फिर इसमें है 3.1 में हो जाएगा अपना अचीव फ्रेम, दूसरा हमारा ऑनर्स, ये आपका ऑनर। इस प्रकार से आपको बना सकते हैं, तीन पॉइंट मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। ओके चलिए आगे नेक्स्ट समझ लेते हैं। ओके तो ये अभ्यास पेपर है हमारा, ये अभ्यास पेपर है ओके। इसमें अपन अपना ये वाला आया था नोट्स मेकिंग, इसका समझ लेते हैं ओके। तो इसको देख लेते हैं हम। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड एंड वी एंजॉय रीडिंग बुक्स। मतलब क्या देखिए, रीडिंग बुक्स जब भी आप पढ़ेंगे, रीडिंग बुक्स की आपको बताए मतलब बुक्स, रीडिंग बुक्स इसके बारे में आ रहा है ओके। तो आप लिख सकते हैं रीडिंग रीडिंग बुक्स लिख दीजिए, टाइटल लिख दीजिएगा या द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, ये आप लिख सकते हैं द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, या फिर आप लिख दीजिएगा रीडिंग बुक, बस इतना लिख दीजिएगा ओके। ये रीडिंग बुक बुक्स बस आप इतना टाइटल लिख सकते हैं, या आई होप आप टाइटल समझ चुके हैं। इसमें बुक की बात होगी, पूरे आपसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो पूरी जगह बुक्स बुक लिखेगा, केवल बुक लीजिएगा, या रीडिंग बुक की बात हो रही तो रीडिंग बुक आपको लिखना, टाइटल आपको समझ में आएगा होगा। नोट से देख लेते किस प्रकार से इसका बनने वाला है। तो हम पहली वाली सेंटेंस को पकड़ के बना लेते हैं ओके। ये पहला वाला सेंटेंस काफी लॉन्ग है तो चलिए इसी से बना लेते हैं। तो आपको लिखना है, तो पहले हमें तीन टुकड़ा करिए, तो इसका हमने पढ़ लिया, तो इसका पहले बनाया द हैबिट ऑफ रीडिंग ओके, रीडिंग इज भी ले लें। फिर दूसरा हमारा बन जाएगा वन ऑफ ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैन का, ये दूसरा बन जाएगा। फिर तीसरा बन जाएगा यहाँ से एंड छोड़ दीजिए बी एंजॉय रीडिंग बुक्स, ये तो ये तो आपका ये बन जाएगा पहला पॉइंट और 1.1 ये बन जाएगा, 1.2 आपका ये बन जाएगा, आई होप समझ गए। फिर इस प्रकार से और पकड़िएगा तो जैसे हम ये पढ़ लेते हैं यू आर यू मस्ट सी दैट इज स्टूडेंट टू डैमेज, इस प्रकार से दिया है इट मस्ट नॉट सफर, तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप। आपको यहाँ से लग दिया यू मस्ट सी दैट, यहाँ से अब तक आपको बना देना है यू मस्ट सी दैट। फिर इसके बाद आपको लिख दिया ये दूसरा आपको बना दीजिएगा, और इसके बाद आप बना सकते हैं यहाँ से आप इट मस्ट, फिर आपके तीसरा बन जाएगा, यहाँ से आपका तीसरा बन जाएगा ओके। तीन टुकड़े करना है, ये हमने सेंटेंस पकड़ा, तो पहला हमारा टुकड़ा ये होगा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये दूसरा हमारा पॉइंट बन जाता है। तो आपको लिखना है दूसरे पॉइंट में ये लिख दीजिएगा, फिर 2.1 करके ये लिख दिया, 2.2 करके ये लिख दीजिए ओके, आई होप आप समझोगे। और देख लीजिए बड़ा सा सेंटेंस जो भी आप कोई भी आपको कर सकते हैं, बस थोड़ा उससे बड़ा सा होना चाहिए, फुल स्टॉप लगे, कॉमा लगना चाहिए, थोड़ा बहुत अर्थ निकले ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे लास्ट वाला पकड़ लेते हैं, तो लिटरली इज ओके, तो लिटरली इज बस बना दीजिएगा। फिर इसके बाद एन इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री, ये आपका 3.1 बन जाएगा, और 3.1 आपको फिर लगा देना है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं द बेस्ट से ओके, ये आपको बन जाएगा 3.2 बन जाएगा। इस प्रकार से मैंने कितना तीन सेंटेंस पकड़े हैं, इस प्रकार से उनके तीन टुकड़े कर लिए और फिर इसको जमा लें। लेकिन ऐसा गोला मैंने लगाया, आप कैसे कॉपी में लगाइएगा, केवल पेंसिल लिए रहते, पेंसिल थोड़ा थोड़ा समझ के आप पहले से कर लीजिएगा, फिर आप अच्छे से कॉपी में सजा लीजिएगा। तो आई होप आप समझ चुके किस प्रकार से आपको बनाना है ओके। एक बार दोबारा समझिए, जब भी आप इसे लिखेंगे तो आपको इसके जो जो ये वाली लाइन है, मेन वाली लाइन है, वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपका ये आपका बन जाएगा 1.1 बन जाएगा, तो यहाँ लिख दिया, फिर 1.2 बन जाएगा ओके। मतलब क्या है, कोई भी आपको सेंटेंस पकड़ कर तीन टुकड़े करना है, और ये आपको मेन एक हेडिंग बन जाएगी, जो बचे हुए दो है वो आपके बन जाएंगे उसके सब हेडिंग। इस प्रकार से आपको बना लेना है आपको नोट्स ओके, आई होप समझ चुके ओके। दोस्तों आपको टाइटल नोट्स मेकिंग आपको बन जाएगा ओके। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट आता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।